सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म लिए गए थे वो मनमोहन सिंह जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा 1991 के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए गए थे। वैसे ही पहले काफी टाइम पहले भी काफी रिफॉर्म लेके आए गए, लेकिन जो 1991 में काफी बड़े रिफॉर्म लेके आए गए जिसको हमने एलपीजी नाम दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म था जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया और इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कुछ फीचर्स रहे जिनके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओनली 6 इंडस्ट्री को क्या कर लिया गया, लाइसेंस स्कीम के अंदर रख दिया गया, बाकी सभी इंडस्ट्री को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। जो पब्लिक सेक्टर है उनका रोल है जो लिमिटेड बना दिया गया, केवल 4 इंडस्ट्री को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए रखा गया, बाकी सभी को प्राइवेट के लिए छोड़ दिया गया। अगर हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट कर दी गई, जो अलग अलग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट को दे देना या बेच देना। अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट सेक्टर अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जो लॉसेस में चल रहे थे, तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। फॉरेन कैपिटल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक लिबरलाइज पॉलिसी लेके आई गई जिसमें कई सेक्टरों के अंदर तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी गई कि फॉरेन में आप फॉरेन से डायरेक्ट आप 100% इंडिया की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें ऑटोमेटिक परमिशन दे दी गई कि आप साइनिंग कर सकते हो, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एग्रीमेंट है जो फॉरेन कंपनीज के साथ आपने किसी बिजनेसमैन के द्वारा अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फॉरेन कंट्री के साथ डील करना है तो वो विदाउट परमिशन आप ऑटोमेटिक तरीके से क्या कर सकते हो, फॉरेन कंट्री के साथ टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग एग्रीमेंट साइन कर सकते हो। और फॉरेन से इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से लेके आनी है उसके लिए एक बोर्ड बना दिया गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सेटअप कर दिया गया ताकि प्रमोट किया जा सके और फॉरेन से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आई जा सके जिससे कि इंडिया का डेवलपमेंट किया जा सके। तो अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर लिए गए उसके अंदर मेन जो प्रमोट करना था वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको हम ब्रांचेज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोल सकते हैं या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोल सकते हैं जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए। तो लिबरलाइजेशन की बात करें तो इस कंसेप्ट को इस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया कि जो गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस लगा रखा था सभी इंडस्ट्री फैक्ट्री के लिए उसको फ्री कर दिया गया और कुछ ही फर्म इंडस्ट्री के लिए ही लाइसेंस लेना जरूरी रखा गया। अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन, तो जो गवर्नमेंट के सेक्टर अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको प्राइवेट को बेच दिया गया और कुछ सेक्टर जो गवर्नमेंट अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही थी उनको बैक ले लिया गया और प्राइवेट सेक्टर को उसके अंदर अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए छूट दे दी गई। अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे जोड़ दिया गया कि आप फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हो, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो, फॉरेन कंट्री से टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हो, एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी काफी छूट दे दी गई ताकि आप देश को आगे लेके जाने का प्रयास कर सको। नेक्स्ट अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें, लिबरलाइजेशन के अंदर क्या कर दिया गया, इंडियन इंडस्ट्री फॉर ऑल अननेसेसरी जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल रखा गया था, रिस्ट्रिक्शन रखी गई थी उनको कम कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी। आप फ्रीडम दे दी गई कि डिसाइड कर सकते हो, आप अपने लेवल पे स्केल बना सकते हो बिजनेस के अंदर, जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको रिमूव कर सकते हो, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी उनको कम कर दिया गया और जो टैक्स के रिगार्डिंग जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो टैक्स हाई रेट से लगाया जाता था उसको भी रिड्यूस कर दिया गया। फ्रीडम दे दी गई आप अपने लेवल पे प्राइस फिक्स कर सकते हो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेसमैन है। सिंप्लीफाई कर दिया गया जो प्रोसीजर था लाइसेंस के रिगार्डिंग अगर है तो, मेकिंग इजियर टू अट्रैक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट के फॉरन से आप इजिली अट्रैक्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट को। अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन की तो यहाँ पर ग्रेटर रोल जो प्राइवेट सेक्टर का है वो दे दिया गया, नेशन बिल्डिंग के लिए किस प्रकार से प्रोसेस करनी है और जो पब्लिक सेक्टर है उनका जो रोल है वो रिड्यूस कर दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया, जो गवर्नमेंट के सेक्टर अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सेटअप इसके लिए एक बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम है BFR, जो किस लिए रिफॉर्म किया गया ताकि जो सिक यूनिट्स हैं, जो खराब हो चुकी हैं, बीमार हो चुकी हैं, उनको दोबारा से रिवाइव किया जा सके, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं जो लॉसेस में सफर कर रही हैं उसको किस प्रकार से फाइनेंस प्रोवाइड करना है और उनको किस प्रकार से देश की इकोनॉमी में बेटर तरीके से परफॉर्मेंस लेके आनी है। इसका जो मेन एम था वो इम्प्रूव करना था ताकि एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके और उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सके। जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं वो भी आप कर सको। अगर हम बात करें रिड्यूस बजटरी जो गवर्नमेंट का बजट है, जो बजटरी डेफिसिट है,
तो वो भी कम से कम करना है, और किस तरीके से आप बेटर तरीके से अपने रिसोर्सेज को, नेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कैसे यूज कर सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर हेल्प के माध्यम से करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट की, तो इसके अंदर क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमीज को, ताकि आप वर्ल्ड लेवल पे क्या कर सकते हो, अपने अलग अलग इकोनॉमी लेवल पे काम कर सकते हो। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काफी इंपोर्टेंट स्टेप उठाए गए, जिसके अंदर लिबरलाइज कर दिया गया, इंपोर्ट लिबरलाइज कर दिया गया कि फॉरेन कंट्री से आप इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए काफी ज्यादा जो टैरिफ स्ट्रक्चर थे उनके अंदर रिफॉर्म लेके आए गए। एक्सपोर्ट के लिए किस प्रकार से प्रमोट करना है एक्सपोर्ट को, तो इसके लिए काफी रिफॉर्म लेके आए। टैक्स जो टैरिफ लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है उसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट की। फॉरेन एक्सचेंज को लिबरलाइज किया गया, ताकि आप फॉरेन कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो इजिली। किस तरह से फॉरेन कंट्री को इंटरेक्ट करना है ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी को, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके वर्ल्ड लेवल पे व्यापार को। तो यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड जो एग्रीमेंट साइन किए गए, जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। यहाँ पर क्या किया गया, रिडक्शन कर दी गई जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। अगर हम बात करें, डिवैल्यूएशन कर दी गई जो रुपीज थी उसकी वैल्यू में कमी कर दी गई, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। राइज कर दिया फॉरेन कंट्री से आप इक्विटी पार्टिसिपेंट, फॉरेन कंट्री से यहाँ पर आके इक्विटी के अंदर पैसा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें लॉन्ग पीरियड ट्रेड पॉलिसी, लंबे टाइम तक के लिए ट्रेड पॉलिसी एग्रीमेंट बनाए गए। अगर हम बात करें कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज, के रुपीज को आप फॉरेन करेंसी के अंदर और फॉरेन करेंसी को रुपीज के अंदर आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो, तो इस तरह के रिफॉर्म भी लिए गए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।